गाइस फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेक बुक पे। आज हम लेके आए रियलमी की वॉच और डिजो की वॉच और साथ में हम लाए हैं यहाँ पे टैग की वॉच भी। तो गाइस तीन वॉच का मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ, देखेंगे तीनों में से कौन सी वॉच बेटर है और एंड में मैं अपना कंक्लूजन भी देने वाला हूँ। इस तरीके का लुक मिलता है आपको इन हैंड फील, तीनों का इस तरीके से मिल जाता है और डिस्प्ले की क्वालिटी आप तीनों की देख सकते हो यहाँ पे, अगर आपको यहाँ पे दिख रही है, बट कैमरे में उतनी साफ नहीं दिख रही है, मतलब आपको समझ में नहीं आएगी, बट मैं अपने मुंह से बताता हूँ आपको कि यहाँ पर डिजो सबसे बेस्ट है, नंबर वन पे आती है डिस्प्ले क्वालिटी में, सेकंडली आती है रियलमी की और थर्ड आती है हमारी टैग। तो तीनों का ही कंपैरिजन करेंगे और एक्यूरेसी टेस्ट भी करेंगे और दिखाऊंगा तीनों में से कौन सी वॉच बेटर है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको सारी सारी इन्फॉर्मेशन जो मिल सके। और तीनों ही वॉच मैंने आपको पता ही है शॉपसी एप्लीकेशन के थ्रू बाय की है, तो बहुत सस्ती मेरे को पड़ी है। इवन रियलमी तो मेरे को 1650 रुपए की पड़ी है सिर्फ। कैसे बाय की है मैंने उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। और ये टैग की जो वर्ब एक्टिव है ये भी मेरे को बहुत सस्ती पड़ी है और डेफिनेटली यहाँ पे इसका जो प्राइस है वो 2000 रुपए भी आपको मिल जाएगी, सबसे सस्ती यही मिल रही है। यहाँ पे डिजो वॉच आपकी जो है ये 2299 रुपए की मिल रही है, मतलब 2300 रुपए की, और ये 2500 की हो चुकी है रियलमी की वॉच। और ये तो डेफिनेटली यहाँ पे 2000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में मिल जाती है। और लो प्राइस में बाय करना तो शॉपसी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है शॉपसी की, उसमें आपको 50 रुपीज़ का और बोनस ऐड ऑन हो जाएगा। तो आपकी ओवरऑल अगर 140 रुपीज़ का कैशबैक है तो 180 रुपीज़ और ऐड हो जाएगा, मतलब 50 रुपीज़ ऐड हो जाएगा तो 190 रुपीज़ आपको भी डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली ये आपकी पड़ जाएगी 1790 रुपये की पड़ जाएगी करीब करीब ये, तो आप ग्रैब ऑन कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं इस कंपैरिजन को। सबसे पहले लुक्स के बारे में बात करेंगे, तो आप खुद देख सकते हो यहाँ पे लुक एंड फील किसका बेटर है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो कंफर्टेबल है वो रियलमी की वॉच है, सेकंडली ये है टैग की और थर्ड आती है डिजो। डिजो थोड़ी सी मोटी भी है, आप देख सकते हो यहाँ पे कौन सी मोटी लग रही है कौन सी पतली लग रही है, यहाँ से इस हिसाब से देख सकते हो यहाँ पे। और कंफर्टेबल तो रियलमी ही है और उसके बाद आपकी ये वाली मतलब टैग की और थर्डली डिजो की वॉच आ जाती है। अब गाइस यहाँ पे लुक एंड फील तो देख लिया आपने, बट यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी किसकी बेटर है। सबसे बेटर मेरे को लगी है यहाँ पे रियलमी की, सेकेंडली डिजो की लगी है, थर्ड मेरे को टैग की लगी हुई है। दोनों की मतलब तीनों की ही आपको पॉलीकार्बोनेट बिल्ड मिलता है, तो यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी तीनों की प्लास्टिक की है, बट यहाँ पे रिजिड जो है फील होती है, रगिड जो फील होती है वो है आपकी ये वाली रियलमी की वॉच, राइट। अब यहाँ पे स्ट्रैप्स तीनों में ही मैंने चेंज कर रखे हैं, मतलब बोट में इसमें जो डिजो में लगे हैं वो तो सिमिलर ही हैं डिजो के ही हैं, बट इसमें मैंने चेंज कर रखे हैं। मैं डेडिकेटेड एक वीडियो लेके आ जाऊँगा आपके लिए 20 mm के स्ट्रैप्स जो मेरे पास अवेलेबल हैं। अप्रॉक्सीमेटली मेरे पास 2 से 3 स्ट्रैप्स पड़े हुए हैं, मैं अगर आपको दिखाऊँ तो, अभी वन सेकेंड मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये रहे मेरे पास और भी पड़े हुए हैं अंदर एक्चुअली। तो मैं डेडिकेटेड एक वीडियो ले आऊँगा आप सभी के लिए, अगर आपको चाहिए तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो। यहाँ पे अगर हम बात करें ओवरऑल 2.5D कर्व ग्लास तीनों में मिल जाता है, प्रोडक्शन कौन सा एक्जैक्टली कंपनी नहीं बताया, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं जो एक्सेंट है बटन का वो ज़्यादा बेटर मेरे को लगा है यहाँ पे इन दोनों वॉचेस में। फ्लश्ड है जो ज़्यादा बेटर फील होता है एज़ कम्पेयर टू दिस टैग। और तीनों में ही जो बेजल्स हैं वो आप देख सकते हो, अगर आपको सही यहाँ पे दिख रहा है वन सेकेंड, ये देख सकते हो जो बेजल्स हैं मेरे को डिजो में ज़्यादा लग रही है, उसके बाद ये वाली है, उसके बाद ये लग रही है मेरे को, देख सकते हो इस तरीके से। एक बार ऐसे दिखाता हूँ आपको ये वाली, राइट। अब इन दोनों को आप देख लो तो आप खुद यहाँ पे पता लगा सकते हो किसकी बेजल्स आपको ज़्यादा दिख रही हैं किसकी कम दिख रही हैं, राइट। तो इस तरीके से मिल जाता है गाइस। जो स्ट्रैप्स हैं वो दो में सिमिलर हैं, 20 mm 20 mm, इसमें 22 mm है, तो इन दोनों के रिप्लेस हो सकते हैं, बट इसके लिए आपको 22 mm वाला चाहिए होगा जो कि मेरे पास बोट की वॉच पड़ी हुई है फ्लैश, उसका इसमें लग जाएगा, तो उसके साथ में अलग से इसका कंपेरिजन लेके आ जाऊँगा। यहाँ पे अगर हम बात करें जो ओवरऑल है पॉलीकार्बोनेट ही है और यहाँ पे स्लिमनेस आप देख सकते हो तीनों में से किसकी आपको दिख रही है, मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बता दिया था, बट अब फीचर्स पे चलते हैं, सारे के सारे फीचर्स को एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं ऑलरेडी इन दोनों के बारे में बता चुका हूँ आपको, यहाँ पे इस तरीके से आपको मिल जाता है। और रेस्ट टू वेक भी चेक कर लेंगे एक बार, कर लेते हैं एक बार, तो यहाँ पे तीनों को ही 1, 2 एंड 3, तो तीनों ही ऑन हो चुकी हैं, ऑफ करते हैं 1, 2 एंड 3, तो यहाँ पे स्लाइटली ज़्यादा ये डिजो वाली थी 1, 2 एंड 3, तो हो गए ये रियलमी हुई है, फिर ये आप मेरे को बता सकते हो कौन सी सबसे पहले हुई थी, राइट। तो यहाँ पे फीचर्स को चेक करते हैं एक बार, सबसे पहले ऊपर की साइड से सबसे पहले स्वाइप करेंगे, यहाँ पे क्या खुल रहा है, यहाँ पे नोटिफिकेशन, यहाँ पे क्या खुल रहा है, यहाँ पे नोटिफिकेशन, और यहाँ पे टॉगल मेन्यू खुल रहा है, राइट। तो हम वापस से टैप करते हैं, होम पे चले जाते हैं, यहाँ पे टैप करते हैं, होम पे चले जाते हैं। अब गाइस एक काम करते हैं, नीचे की साइड से स्वाइप करते हैं ऊपर को, यहाँ पे खुल रहा है मेन्यू, यहाँ पे खुल रहा है मेन्यू, और यहाँ पे खुल रहा है आपका मैसेजेस, राइट। तो तीनों में डिफरेंस है। अब एक काम करते हैं, लेफ्ट और राइट में चेक करते हैं, लेफ्ट साइड में सबसे पहले चेक करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे टॉगल मेन्यू है, यहाँ भी टॉगल मेन्यू मिल जाता है, और यहाँ पे आपको ये जो मेन्यू है वो मिल जाता है, मेन मेन्यू मिल जाता है। तो टॉगल मेन्यू में चेक करते हैं एक बार क्या क्या है तीनों में ही, तो टॉगल मेन्यू मैं यहाँ पे भी खोल लेता हूँ,
यहाँ पे आपका DND मोड है, ब्राइटनेस कंट्रोल है, फाइंड माय फोन है और सेटिंग्स है। यहाँ पे आपका DND मोड है और ब्राइटनेस कंट्रोल है, रेस टू वेक है, टॉर्च है और यहाँ पे सेटिंग्स मिल जाता है। यहाँ पे भी एज इट इज सिमिलर ही देखने को मिलता है, बट यहाँ पे बैटरी सेवर का ऑप्शन एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो तीनों में ही सिमिलर है, बट यहाँ पे थोड़े से कम दिए गए फीचर्स एज कम्पेयर टू डिजो और रियलमी। और अब फंक्शंस पे चलते हैं। मेन शॉर्टकट तो पता ही है आपको, यहाँ पे राइट साइड में स्वाइप करोगे तो आपको शॉर्टकट्स मिल जाते हैं इस तरीके से। और ये तीनों में ही है, मतलब इसमें ही मिल जाता है आपको, राइट। तो ये तो ठीक है। अब गाइज़ यहाँ पे फीचर्स पे चलते हैं। तो यहाँ पे फीचर्स पे जाने के लिए यहाँ पे इधर स्वाइप करते हो, ये फीचर्स सारे के सारे खुल जाते हैं। और यहाँ पे नीचे की साइड से स्वाइप करते हो, यहाँ भी आप नीचे की साइड से स्वाइप करते हो, फीचर्स मिल जाते हैं सारे के सारे। और डिजो में क्या है कि आपका ये एक चीज़ और है कि यहाँ पे फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग का ऑप्शन है, इसमें फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है और इस तरीके से मिल जाता है। और यहाँ पे भी आपका फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग का ऑप्शन मिल जाता है, इधर की साइड से स्वाइप करते हो तो ये सारे के सारे फंक्शंस आपको मिल जाते हैं। फ्लैश लाइट मोर, दैट्स इट। और ब्राइटनेस लेवल्स तो तीनों में ही अच्छे हैं। और सबसे ज़्यादा कलर एक्यूरेसी मैंने आपको बता दी ऑलरेडी कि यहाँ पे डिजो की ज़्यादा बेटर है, उसके बाद आपकी रियलमी आती है, उसके बाद थर्ड आती है हमारी जो टैग की वॉच है। तो गाइज फीचर्स तो आपने देख लिए, अगर आपको आराम से देखने फीचर्स तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक बार खोल देता हूँ सारे के सारे फीचर्स। तो आप यहाँ पे आराम से वीडियो पॉज करके भी देख सकते हो, ये सारे के सारे फीचर्स मिल जाते हैं। मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ, ऑलरेडी अनबॉक्सिंग डिटेल रिव्यू कर चुका हूँ, तो आप उसमें देख सकते हो। और अलग से भी दोनों का ही कंपेरिजन कर चुका हूँ। यहाँ पर आपको इस तरीके से मिल जाते हैं, राइट। अब गाइज जो मेन हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम है उसको चेक करते हैं सबसे पहले। तो मैं सबसे पहले स्किन पे चेक कर लूँगा। तीनों में ही HR मॉनिटर किस तरीके से कैसे बताता है, यहाँ पे, यहाँ पे ये HR है, ये ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑन हो गया, यहाँ पे टैग ने तो सबसे पहले बता दी 96 और रियलमी में 98 दिखा रहा है, उसमें 86 दिखा रहा है। तो इस तरीके से डिफरेंस तीनों में ही देखने को मिल जाता है आपको। SpO2 को चेक करते हैं एक बार, तो 99 बहुत जल्दी दिखा दे रहा है टैग में, पता नहीं कि प्री रिकॉर्डेड वैल्यूज हैं क्या उसके अंदर। यहाँ पे रियलमी और डिजो तो स्कैन कर रही है अभी। डेडिकेटेड सेंसर आपको तीनों में ही देखने को मिल जाते हैं, रेड एक्शन का SpO2 के लिए और ग्रीन एक्शन का HR मॉनिटर के लिए। सबसे लेट टाइम ले रही है आपकी रियलमी, तो दोनों में ही 99 दिखा रहा है। और रियलमी में देखते कितना दिखाता है, तो यहाँ पे 98 दिखा रहा है रियलमी में। तो इस तरीके से मिल जाता है, बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करता कि आप इन पे निर्भर रहो पूरा। और अगर आप किसी मेडिकल प्रॉब्लम से जूझ रहे हो तो आपको मेडिकल डिवाइस ही लेना चाहिए। तो इस तरीके से मिल जाता है। और टेम्परेचर मॉनिटर भी चेक कर लेते हैं एक बार, क्योंकि इसमें डिजो वॉच में तो है नहीं, तो हम रियलमी की वॉच में और टैग की वॉच में कर सकते हैं चेक। तो कर लेते हैं एक बार, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आप सभी को कि डिजो में और टैग में आपको कॉल म्यूट और कट करने का ऑप्शन मिलता है, बट रियलमी में अभी ऐड नहीं किया गया म्यूट का ऑप्शन, बट कट करने का ऑप्शन ही मिलता है आपको। और फीचर तो सेम ही है आपको, वेदर नोटिफिकेशन, फाइंड माय फोन, कैमरा शटर, म्यूजिक कंट्रोल, ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पे टेम्परेचर देख सकते हो इतना दिखा रहा है, यहाँ पे स्किन टेम्परेचर 34 और 36.5 दिखा रहा है, और यहाँ पे आपको मिल जाता है 36.9। तो इस तरीके से आपको तीनों वॉचेस मिल जाती हैं। अब गाइस एक काम करते हैं, ऑन द एयर टेस्ट कर लेते हैं तीनों का ही, और ऑन द सर्फेस भी टेस्ट करूँगा मैं एक बार, राइट। तो गाइस यहाँ पे तीनों ही वॉचेस को मैं पहले पकड़ूँ कैसे सही से, बट यहाँ पे मैं तब भी देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे मेजर फील्ड दिखा रहा है और रियलमी में तो बता ही नहीं रहा है अभी, क्योंकि यहाँ पे आ जाता अगर होता तो, और यहाँ पे टैग की वॉच भी नहीं बता रही है। तो इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हो। अब गाइस यहाँ पे SpO2 चेक कर लेते हैं एक बार, यहाँ पे भी मैं ऑन कर देता हूँ SpO2, एक सेकेंड, ये रहा टैग की वॉच में भी SpO2 चेक करते हैं। तो यहाँ पे दोनों में तो नहीं बता रही है, ऑन द एयर यहाँ पे, यहाँ पे तीनों ही नहीं बता रही, तो यहाँ पे डेफिनेटली ऑन द एयर पास कर चुकी है टेस्ट को, देख सकते हो आप, नहीं तो अब तक तो बता देती। अब यहाँ पे सरफेस को भी चेक कर लेते हैं एक बार रखिए,
तो गाइस थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपको सही से दिखे। यहाँ पे डिजो वॉच ने ऑलरेडी बता दिया मेजर फील्ड, और रियलमी की वॉच तो बता ही नहीं रही है, और यहाँ पे टैग की वॉच फेल कर चुकी है सरफेस टेस्ट को। 104 दिखा रहा है सरफेस का आपका HR। अभी काम करते हैं SPU2 लेवल चेक करते हैं तीनों का ही। यहाँ पे ऑलरेडी बंद हो चुका है देख सकते हो आप, यहाँ पे चेक करते हैं। तो यहाँ पे दो तो ऑलरेडी नहीं बता रही थी, एक बार और कर लेते हैं। यहाँ पे इसको पैक करना पड़ेगा। तो गाइज यहाँ पे डेफिनेटली दो तो वॉच पास कर चुकी हैं डिजो और रियलमी, बट यहाँ पे टैग की वॉच कहीं ना कहीं सरफेस टेस्ट को फेल कर चुकी है। तो यही है गाइज तीनों ही वॉचेस का। यहाँ पे एक्यूरेसी थोड़ी सी डाउन मिलती है आपको टैग की वॉच की, इवन साइंस प्लस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया उसके बावजूद भी यहाँ पे जो एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं है। बट यहाँ पे कहना चाहूँगा कि सबसे नंबर वन पे डिजो ही आ रही है, और उसके बाद आपकी रियलमी जो कंफर्टेबल वॉचेस में से एक है वो आ जाती है, और उसके साथ साथ यहाँ पे जो सबसे लास्ट में आती है आपकी टैग की वॉच आती है, और वो थोड़ी सी आपकी कहीं ना कहीं एक्यूरेसी के मामले थोड़ी सी पीछे रह जाती है। तो और तो सब चीज़ें सेम ही मिल जाती हैं, बट एक्यूरेसी के मामले में टैग की वॉच पीछे है। तो यहाँ पे सबसे पहले वोट जाता है मेरे को, अगर कॉम्पैक्टनेस को देखो मैं, अगर कंफर्टेबल की बात करूँ तो रियलमी, सेकेंडली डिजो। कलर एक्यूरेसी बेटर है इसकी, और डिस्प्ले की ब्राइटनेस लेवल्स बेटर हैं, और यहाँ पे देख सकते हो अगर मैं लगाऊँ तीनों ही वॉचेस पे जो अपनी पिक है, तो यहाँ पे देख सकते हो किसकी ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे डिजो ही बेटर लग रही है मेरे को तीनों में से, राइट। तो इस तरीके से मिल जाता है। एंड लास्टली मैं टैग को रखना चाहूँगा। अभी जो प्राइसिंग है वो तीनों की डिफरेंट है। यहाँ पे 2299 में मिल रही है ये आपकी, ये आई गेस 2500 रुपीज़ की हो चुकी है, और ये आपको 2000 में भी मिल जाएगी। और लो प्राइस में बाय करना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर लीजिएगा। शॉप्स ही एप्लीकेशन के थ्रू तीनों ही वॉचेस आपको करीब करीब 150 प्लस का कैशबैक दिला सकती हैं, और जैसे रिटर्न पीरियड खत्म होता है उस पैसों को आप अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन कॉल कर दीजिएगा, और टेक्को चैनल को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हो। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।